हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज का हूँ मैं नई वीडियो के साथ। जैसा कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी, दैट वाज अबाउट कि कैसे मैंने अपनी जीआईसी का पेमेंट किया। अब जीआईसी की बात आती है ट्यूशन फीस का। बहुत लोगों की क्वेरी ये होती है कि मैं पहले ट्यूशन फीस करूँ या जीआईसी करूँ। तो मेरे लिए ट्यूशन फीस बाद में पे करना कहीं ना कहीं एक रीज़न था। वो रीज़न क्या था, मैं आपको तो एक अच्छी खासी स्टोरी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किस तरीके से मैंने अपना ट्यूशन फीस पे किया, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दिस, बिकॉज आपका सिंगल सब्सक्राइब कितना मैटर करता है यू कांट इवन थिंक। और लाइक करो वीडियो अच्छी लगती है तो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो बात यहाँ पे ये है कि जब मैंने अपनी जीआईसी का पेमेंट किया, दैट इज अबाउट कि 6.5 लाख तक के आसपास का है, और मेरी फीस की बात करते हैं तो वो उससे 3-4-5 लाख ऊपर का है। तो मुझे ये था कि जब भी मेरे पैसे डूबेंगे इफ इन केस, तो मैं अपनी जीआईसी को दे देता हूँ। और क्योंकि मैंने बता ना एक्स्ट्रा वाल मनी का मैंने यूज़ किया, जहाँ से पेमेंट ट्रांसफर करी और 2 दिन में मुझे जीआईसी सर्टिफिकेट भी आ गया, तो उससे एक मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि ठीक है, अब मैं ये पेमेंट जा चुकी है तो दूसरा पेमेंट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एक ट्रस्ट होता है ना, बन जाता, ठीक है यार दूसरा करते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो भी सकता है कि दूसरा वाला पहला किया दूसरा में चला गया, तो ये चीज़ें आती हैं। बट फिर भी यहाँ पे सिक्स का करने के बाद जब मुझे आगे ट्यूशन फीस पे करने की बात आई, तो ट्यूशन फीस में मुझे स्टार्टिंग से लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मैं फ्लाई वायर के थ्रू जाऊँ या किसी और एजेंट को यूज़ करूँ या कैसे पेमेंट करूँ। जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है उसकी गाइडलाइन यही थी कि मुझे जो भी फीस ट्रांसफ़र करने हैं फ्लाई वायर के थ्रू ही करने हैं। अब अगर फ्लाई वायर की बात करते हैं, तो फ्लाई वायर के साथ जब भी आप पेमेंट करते हो तो वहाँ पे जो आपको अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा पे करने का होता है, मतलब कि फॉरेक्स रेट भी ज़्यादा होता है, इवन कुछ उनके चार्जेस होते हैं। बट फिर भी मतलब एक ही ट्यूशन फीस को पे करने के लिए मैंने 2-3 एजेंट का यूज़ किया। प्रोसेस तो बहुत ईजी था, सुनने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, मैं अभी आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ। हालांकि जो मैंने अपना पेमेंट किया वो भी मेरा फ्लाई वायर से ही था। तो चलते हैं वीडियो में, तो देखते हैं कि पेमेंट कैसे मैंने किया। ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपके एक फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजेक्शन है अगर 7 लाख के ऊपर होता है, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट आपको 5% टैक्स लगाती है, दैट इज TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मुझे पहले बचना था इस 5% TCS से। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पूरा अमाउंट अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करता जिसमें मुझे 5% TCS लगता, दूसरा ये कि मैं अपने पेरेंट की 2 अलग अलग अकाउंट को यूज़ करता, थर्ड ऑप्शन ये कि अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है तो मुझे वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 5% का TCS नहीं लगाती, वहाँ पे सिर्फ 0.5% का TCS लगता है। जो कि अगर आपके फादर या मदर जो भी हैं उनके अकाउंट से ट्रांसफर होने पे वो ITR फाइल करते हैं, तो वो पैसे भी आपके वापस हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि जब मैंने स्टार्टिंग में अपने एजेंट से बात करी अपनी ट्यूशन फीस ट्रांसफर करने की, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ठीक है, वो डायरेक्टली फ्लाई वायर वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अमाउंट इंटर करो, फिर आपको ऑप्शन आता है कि किसको चूज़ करना है, सेलेक्ट करके आप वो पेमेंट ट्रांसफर कर देते हो। उसमें ये होता है कि जो मैंने कैलकुलेट किया वहाँ पर डॉलर ऑलमोस्ट 1.5 तक के आपके पूरे रुपए लग जाते हैं। लेकिन जब मैंने एक्स्ट्रा वाली मनी से बात करी जीआईसी ट्रांसफर करने के लिए, तो वो मेरा स्मूथली हो गया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरा ट्यूशन फीस भी कर दो। जब मैंने उनसे ये बात करी कि आप मेरा ट्रांजेक्शन फ्लाई वायर के थ्रू कैसे करने वाले हो, तो उन्होंने ये बताया कि सर कि जो पेमेंट आप ट्रांसफर करते हो एक सिंगल अकाउंट से करो, क्योंकि ट्यूशन फीस आप जो है एजुकेशन लोन के थ्रू कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने फादर के अकाउंट से करो, वो अमाउंट पहले हम अपने पास लेते हैं, लेने के बाद फिर उसको हम एबिक्स कैश के पास ट्रांसफर करते हैं। एबिक्स कैश वो पैसे फ्लाई वायर को ट्रांसफर करता है, फ्लाई वायर वो अमाउंट को आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर देता है। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस था। आप वीडियो में देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे एबिक्स कैश का यूज कर रहा हूँ। एबिक्स कैश क्या है, अब देखिए, एबिक्स कैश एक रेमिटेंस अकाउंट की तरह यूज होता है। एक्सट्रल मनी ने एबिक्स कैश से पार्टनरशिप करी, जहाँ पे एक्सट्रल मनी वो पैसे ट्रांसफर करके एबिक्स कैश को, वो पैसे आपको चले जाते हैं फ्लाई वायर के पास, फ्लाई वायर आपके वही पैसे ट्रांसफर करता है यूनिवर्सिटी के पास। चीज़ों को थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ईजी। तो इस तरीके से मैंने अपना पेमेंट ट्रांसफर किया, तो जो मुझे स्विफ्ट कॉपी मिली स्विफ्ट कॉपी को मैंने अपने एजेंट को दिया। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें देख लो, आप यूनिवर्सिटी को भी भेज दो। इवन मैंने एबिक्स कैश से भी बात करी कि प्लीज़ आप मेरे फ्लाई वायर के थ्रू जो पेमेंट किया है वो चीज़ें भी मुझे रिसीट दे दो, जिससे मैं ये कॉलेज को दिखा के कन्फर्म करा सकूँ। करी मुझे फाइनली पता चला कि ठीक है, मेरा पेमेंट फाइनली ट्रांसफ़र हो चुका है, तो मुझे $1 45 पैसे देने पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा इफिशियंट था। एंड होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई हों। अगर आपको प्रोसेस में कहीं भी डिफिकल्टी होती है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अदर यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इवन मुझे भी इससे सीखने को मिलता है। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।